मैं भारत का एक आम नागरिक हूं। हाल ही में परीक्षा में गड़बड़ियों को मैंने भी देखा, देखकर बहुत दुख हुआ। दिमाग में सबसे पहले यही आया कि मोदी जी, आपकी गारंटी का क्या हुआ? आप तो युवाओं के भविष्य की गारंटी देते हैं ना, विकसित भारत का सपना भी दिखा रहे हैं। युवाओं ने तो आप पर भरोसा कर तीसरा मौका आपको दे दिया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसी चिंता के बीच मैंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी बारीकी से सुना। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। मंत्री जी ने एक एक सवाल का जवाब जिस तरह से दिया, सुनकर लगा कि नहीं यार, सरकार इस मामले पर ढीली तो नहीं है। हमें भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे पर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है और भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश से जुट भी गई है। किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है, किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषय को लिया है। फिर मुझे धीरे धीरे विश्वास भी होने लगा कि हाँ यार, ऐसी घटनाएं तो किसी भी समाज में हो ही सकती हैं। सरकार का काम है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना और जनता के भरोसे को बनाए रखना। सरकार तो ये सब कर ही रही है, थोड़ा वक्त तो देना ही होगा। इससे पहले कि सरकारों में और तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं बार बार हुई हैं, लेकिन उन सरकारों ने कितनी सजगता दिल से दिखाई। अगर सरकार खुद इनिशिएटिव ले रही है, तो क्या हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। वैसे आज के विपक्ष का काम तो है ही राजनीति करना। ये सरकार भी चाहती तो विरोधी दलों के नाम पर सियासत कर सकती थी, लेकिन ये सरकार पॉजिटिव है हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। मुझे तो सरकार पर भरोसा है, मैं तो सरकार को पूरा वक्त दूंगा। सरकार की एक एक बात वाजिब है। ये सरकार कुछ तो अलग कर रही है, लेकिन यही भरोसा आपको भी रखना होगा।